अरे यार अभी क्या करेंगे यार, पड़ रहे ना, निकलना पड़ेगा। हाँ यार बाप रे, गंदे विंडे में आ रहा है, चल जाते। हाँ जाते अभी गाइस, निकलना पड़ेगा। ऐसा नाकाबंदी की है कि बहुत सारी गाड़ी को चेकिंग कर रहे और घुसने नहीं दे। अभी कितने लोगों को तो अंदर जाने भी नहीं देगा। ट्रिपोलो का यही पे खत्म होता है। सो गाइज, नई ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे हैं और ये मेरे दोस्त लोग हैं, साथ में सिस्टर और वाइफ, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और हम लोग की गाड़ी खड़ी है जो हम लोग ने रेंट की है, तो चलिए देखते हैं। मेरा बात हुआ था आपसे, आप रॉय ना? अरे इनकी गाड़ी है ये, रॉय ना, और ये इनकी गाड़ी है। सो ये इनकी गाड़ी है और इसमें से हम लोग जाने वाले हैं। तो अंधेरे में इतना दिखेगा नहीं, अभी उजाला होगा। वैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा ये आदमी, आ गया। तू भी ब्लॉक करते करते ना, तू आदम आगे बस। सो गाइस, अभी निकल चुके लोनावला के लिए। और ये मेरी पब्लिक है, प्रतीक, ये मेरी वाइफ, ये सिमरन, सोनिक और स्वप्निल लास्ट में, और ये रॉय भाई। तो चलिए ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, चलते हैं। ट्रिप का टोटल कितना खर्चा हुआ हम लोग का, गाड़ी भाड़ा, आना जाना, खाना पीना, जो भी, और रूम लिया या फिर नहीं लिया, क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, सब मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताता हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, दो रास्ते हैं जाने के लिए अगर आप बोरोली से जाते हो। एक है थाने साइड से और एक पवई साइड से। तो अपन कौन से साइड से जाने वाले हैं? पवई साइड से ना, तो हम लोग पवई साइड से जाने वाले हैं। तो वो थोड़ा जल्दी भी है और ट्रैफिक भी कम मिलेगा आप लोग, तो आप लोग भी वही रूट पकड़िए। पेट्रोल भर रहे हैं अभी। और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। तो गाइस, हियर वी गो लोनावला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही रूट से निकलना है, आपको पता है। तो पहला लास्ट वाला जाएंगे, लाइन से देखेंगे, लास्ट वाला देखते हैं ऐसा निकलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग हॉल्ट के लिए रुके हैं, यहीं पे थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे। यहाँ पे अच्छा व्यू भी है। हम लोग जब भी प्राइवेट कार करके जाते हैं ना, तो एक फ़ायदा उसका बहुत अच्छा होता है कि हम लोग कहीं भी रुक सकते हैं। अगर हम लोग को मतलब कहीं छोटा सा वाटरफॉल दिख गया, जैसे ये वाला दिख गया, तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद कहीं भी हम लोग रुक सकते हैं, अपने को जहाँ मन किया कहीं नाश्ता करना हो। अगर अपन बस से जाएंगे तो फिर नहीं होता उतरने के लिए, आई मीन प्राइवेट बस नहीं, पब्लिक बस या गवर्नमेंट बस से जाएंगे। तो हम लोग को ये कार बहुत सस्ते में पड़ी, ये प्राइवेट कार। उसका रेट मैं आप लोगों को बताऊँगा वीडियो के एंड में बताऊँगा, ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। खूबसूरत नज़ारा है, देखो। मज़ा आया बहुत यहाँ पे, अभी मज़ा आया। और अपने को ई पास की ज़रूरत पड़ी यार, रास्ते पे कुछ नहीं पूछा, आप लोग आ सकते हो। हम लोग सुबह के टाइम निकले थे और ये रॉय भाई की गाड़ी है, इनके साथ में हम लोग आए थे। आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते? 6 साल ना, 6 साल में। मैं इनका नंबर वगैरह सब डाल दूँगा, आप देख लेना। और क्या पैकेज है सब मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और प्राइवेट गाड़ी का एक अच्छा है ना, अपन कहीं भी रुक के आराम कर सकते हैं ना, है कि नहीं? प्राइवेट गाड़ी में गर्म है ना? गर्म है भाई, चलो ले दे। चीनी का है ना? हाँ क्या बोल रहे सर आप? अरे देख ताओ में, तो अब भी जाएगा लूंगा। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे छोटी सी टपरी और इसके सामने ही ना मस्त व्यू है, देखो। वाओ,
तो यहीं पे रुकना आप लोग भी। तो गाइस यहाँ पे जब तक वड़ा पाव तैयार हो रहा है तब तक मैंने जो बताया यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं। वाओ यो ब्रो लोनावला 2021 वाओ यार वड़ा पाव ले लिया हमने नाश्ते में है ना। हाँ। और अभी वड़ा पाव खा के यहाँ पे ये व्यू एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ से डायरेक्ट कोरीगढ़ फोर्ट। कोरीगढ़ रहेगा तो चालू रहेगा, बंद रहेगा तो बंद ही रहेगा, वैसा सीन है। गाइस अभी एक सीन हो गया है बताओ। अभी है ना हम लोग को बोला है कि 10 बजे तक यहाँ पे सब बंद होने वाला है, सुबह 10 बजे ही। तो अभी भूसी डैम जा रहे हैं हम लोग क्योंकि कोरीगढ़ बोलते हैं 10 बजे तक बंद हो जाएगा और भूसी डैम भी। तो अगर हम लोग कोरीगढ़ के लिए निकले तो आधा घंटा लगेगा हम लोग, और अभी 9:30 बज रहे हैं तो वहाँ 10 बजे पहुँचते ही बंद हो जाएगा, मतलब नहीं है जाके फिर। इसके लिए अभी डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग भूसी डैम, सीधा भूसी डैम थोड़ा घूम लेते हैं। अगर हम लोग को भूसी डैम के बाद मिला कोरीगढ़ जाने तो चलते। गाइस पार्किंग हम लोग ने यहाँ की है फ्री में है कि नहीं रॉय भाई, पार्किंग फ्री होती है कि नहीं? अगर आप लोग रॉय भाई के साथ आओगे ना तो आपको पार्किंग का चार्ज भरना नहीं पड़ेगा। देखो गाइस ये हम लोग की गाड़ी है, यहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ पे ये लोग पार्किंग का चार्ज लेते हैं, अच्छा खासा लेते हैं, कम से कम 100 रुपये बोल रहा था, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं देना है। इसके लिए हम लोग यहीं पे पार्क कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे भी पार्क कर सकते हो। इसके लिए रॉय भाई के साथ आना उनकी गाड़ी में, भूसी डैम घूम के आते हैं क्योंकि कोरीगढ़ फोर्ट फिर बाद में जा सकते हैं भूसी के बाद, तो आधे घंटे में बंद हो जाएगा इसके लिए। चलो फिर यहाँ से रास्ता है 5 या 10 मिनट का गुड वॉकिंग है और उसके बाद आप लोग पहुँच जाओगे भूसी डैम। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. यह है मेन भूसी डैम और यहाँ से फिर ये पानी। We'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. मजे की बात तो ये गाइस आज चालू है भूसी डैम कोविड के बावजूद, कोर्ट अभी 10 बजे तक है। देखिए ये भी तो बोला है कि 10 बजे तक ओपन रहने वाला है, तो देखते 10 बजे के बाद क्या होता है, बंद हो जाए तो चले जाएंगे कोरीगढ़ फोर्ट, वरना यहाँ पे भी और बहुत देर हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। अरे यार अभी क्या करेंगे यार, पड़ रहे ना, निकलना पड़ेगा। हाँ यार
बाप रे। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, इतना नहीं अभी देखते हैं आगे जाके। यहाँ पे तो हमने बहुत एंजॉय किया जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा। सॉरी मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी, चिल्ला चिल्ला के आवाज़ ऐसी होगी ऊपर। तो क्या देखिए अंडे दहा वाजता बंद होऊन जाते, मग उघडते का ती? परत दुपारी नाही उघडणार होता, दोन तीन वाजता उघडणार। आणि कोरीगड चालू आहे का? कोरीगड किल्ला चालू आहे ना? ठीक आहे। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं कोरीगढ़ फोर्ट के लिए और मुसी डैम में बहुत एंजॉय किया। अभी देखते हैं कि कोरीगढ़ फोर्ट चालू है या नहीं। सो गाइस अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हम लोग कोरीगढ़ की तरफ। गेटिंग सो मच एक्साइटेड। देखो रॉय भाई की अभी अग्नि परीक्षा देखो। अरे वाह सुपर, बहुत मजा आ रहा है गाइस। देख लो भाई ऐसे स्किलफुल ड्राइवर को लेके आओ। जरूर आओ लोनावाला, कल परसों पैकिंग करो, आ जाओ सीधा। Isn't it amazing guys? नहीं आगे देखते ना आगे का, अभी नहीं तो रुकना है तो। चालू है ऊपर कोरीगढ़ चालू है, पता नहीं अभी चालू है। आप लोग हाँ बोला। अच्छा मेरे को लगा आप लोग जाके आए। चलो लेट्स पार्क एंड गो। यस यस रास्ता। हाँ आपको चलना है हम लोग। तो गाइस यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद आपको यहाँ से लेफ्ट मारना पड़ेगा और थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेफ्ट से ट्रैक करके ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आपको ट्रैक करके जाना है ऊपर। सोनिक चलो इधर से। यो ये हमारा सबसे पहला ट्रैकर ट्रैक कर रहा है। जंगल वाले रास्ते से आना पड़ रहा है भाई। बहुत एडवेंचरस है, आइए आप लोग भी। ओके गाइस तो यहाँ से ट्रैक शुरू होता है ओरिजिनल ट्रैक और यहाँ तक आते आते हम लोग को 20-25 मिनट तो हो गए और उसके बाद यहाँ से आपका कोरीगढ़ का ट्रैक शुरू होगा। अब बस थोड़ा और ऊपर चढ़ना है फिर आप धमाल करेंगे। चलो गाइस दिस इज अमेजिंग सुपर्ब।
तो यहाँ से जो व्यू है गाइस रियली सुपर्ब। और ये रास्ते बाप रे, सच में। तो गाइस चलो सबसे ब्यूटीफुल सीन यहाँ का आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस एक घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके फाइनली, ये क्या एंट्री आ गई। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए कोरीगढ़ फोर्ट। दिस इज सुपर्ब एंड अमेजिंग। गाइस ऊपर आके सीधा ये व्यू है। ये लेक भी आप लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन सोनिक मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर फ्री में मैगी खाना है तो एक आइडिया है जो हम लोग अभी करने वाले, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये का मैगी आपको मिलेगा। टाइगर पॉइंट पे भी, टाइगर पॉइंट पे तो 150 का मिलेगा, यहाँ पे 100 रुपये का मिलेगा, है कि नहीं। तो एक सबसे बेस्ट आइडिया है अगर मैगी खाना है फ्री में तो घर से बना के लेके आए। सबसे बेस्ट घर की मैगी, सबसे बेस्ट हम लोग बना के लेके और अभी इधर खाएंगे हम लोग दबा के। तो ये है घर से बनाई हुई गरम गरम मैगी, ये हमारा फ्री फूड। कौन 100 रुपये देके यहाँ से ले गया? घर के बनी मैगी, मम्मी की बनी मैगी। हाँ, कौन इधर 100 रुपये देके ले गया है कि नहीं? कौन लेगा इतने में कितना मैगी बनेगा पता है क्या? मतलब घर का बना, हाथ घर का टेस्ट है इसमें, सबसे बेस्ट और सबसे तो सस्ता। गरम भी है ये। हाँ, सबसे सस्ता। गाइस एक और चीज आप लोग यहाँ पे कर सकते हो वो है स्विमिंग। जो कि आप लोग बिल्कुल मत करना है यहाँ पे, वो मेरा दोस्त है, येड़ा है, वो कुछ भी करता है, आप लोग मत करना नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। बहुत ही एडवेंचरस है वो। तो गाइस अब हो गया फोर्ट विजिट कंप्लीट। अब यहाँ से नीचे उतर के जहाँ हमारी कार है वहाँ जाएंगे, वहाँ से लंच के लिए और फिर उसके बाद लंच से सीधा घर। तो चलिए चलते। तो गाइस ये है टाइगर पॉइंट, यहाँ पे भुट्टा वगैरह भी खा सकते हो। और क्या व्यू है देख लो गाइस। बहुत आप एंजॉय कर सकते हो, तो आइए टाइगर पॉइंट में और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी मैं आपको टोटल बताता हूँ कि कैसे मेरा मुंबई टू लोनावला का 360 रुपया हुआ। मैं बताता हूँ आप लोगों को, हम लोग का जो टोटल गाड़ी का किराया था 5,000 रुपीज़ था, इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड टोल वगैरह सब कुछ, ड्राइवर सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। तो 5,000 था मुंबई टू लोनावला, लोनावला टू मुंबई, ठीक है, आना जाना उसी के अंदर सब कुछ हो गया। तो अगर आप लोग 5,000 में 7 सीटर गाड़ी है, तो अगर 7 लोग आप लोग डिवाइड करते हो 5,000 में, तो पर पर्सन बैठता है 714 रुपया। और 714 रुपया हो गया मुंबई टू लोनावला, लोनावला टू मुंबई। और अगर 714 का आधा किया यानी कि सिर्फ मुंबई टू लोनावला, तो हो जाता है 357, हो गया ना 360 रुपया, है ना सस्ता। गाइज मोतीराम होटल में लंच करने के बाद अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक ठाक लंच था, इतना कुछ खास नहीं था, फ्राइड राइस और सूप मंगाया था हम लोग ने। तो अभी लंच करके हो गया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो 3-3.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो और जल्दी पहुंचेंगे। तो डेट डिपेंड्स ऑन आवर ड्राइवर स्किल्स, क्या बोलते हो, पहुँचा देंगे ना हम लोग को 3 घंटे में यार। देखो गाइज अभी आते वक्त ऐसा नाकाबंदी की है कि
बहुत सारी गाड़ी को चेकिंग कर रहे और घुसने नहीं दे रहे ऑलमोस्ट। अच्छा हुआ सुबह आके गए हम लोग भाई। अच्छा हुआ सुबह आके गए भाई, इतनी लंबी लाइन लगी है। अभी कितने लोगों को तो अंदर जाने भी नहीं देगा, ट्रिपोलो का यही पे खत्म होता है। इसके लिए सुबह जल्दी निकलो गाइस, हो सके तो 4:30-5 बजे तक निकलो तो बेटर पड़ेगा, घूमने भी मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स घूमने मिलेंगे। चलो थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत सेफली पहुंचाया, बहुत सही ड्राइव किया। बाकी लोग को मैं आपका नंबर दे रहा हूँ ठीक है, उनको भी सेम डिस्काउंट दे देना। चलो मिलते, चल भाई।